हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविताज पैशन फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैं ये बॉयल्ड पोटैटो को मैश करके उसमें मैं ये फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग देखते जाइए, मैं बना रही हूँ और आप लोग देखते चलिए। ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सब कुछ डाल के इसे हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हम कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, तो ये काफ़ी देखने में ही टेस्टी लग रहा है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही हम इसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसे हम, ये देखिए हमारा हो गया गोल्डन, और अब हम इसे साइड में कर लेते हैं। ये फ्राई हो गया है, अब इसके लिए हमें डो तैयार कर रहे हैं। तो ये मैंने मैदा, जिसमें मैंने अजवाइन डाल रखा था और थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रखा था, इसे मैं अच्छे से डो तैयार सॉफ्ट कर लूँगी। अब मैं चलिए आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये पहले इसे अच्छे से हम राउंड राउंड शेप में इसे हम बेल लेंगे, और इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी, फिर मैं इसे हाफ हाफ कट कर दूँगी, बिल्कुल बीच से इसे हाफ कट कर लेंगे। एक चाकू के सहारे ऐसे हम इसे हाफ कट कर लेंगे, और इसके बाद इसमें हम फीलिंग डालेंगे। और ये देखिए मैंने कैसे इसे मोड़ा है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो ये मैं अपने घरेलू तरीके से ही बना रही हूँ। एकदम बिल्कुल परफेक्ट होटल जैसा तो हमारा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ घर में खाने लायक तो अच्छा ही बन जाता है। फिर इसे हम ऐसे करके, और ये देखिए इसे हम ऐसे, हमने इसे शेप दे दिया है और ये अच्छा ही बना है। आप भी बताइएगा कि कैसा बना, ज़रूर बताइएगा हमें। और इसी तरह से हम सारे समोसे को, हमें जितना भी बनाना है वो हम ऐसे ही बना के और साइड में रख लेंगे। और अब हम इसे आगे, ये देखिए, और हम अब भी इसे फ्राई करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसे आप, अगर आपके पास बड़ा कढ़ाई है तो आप बहुत सारे एक साथ डाल सकते हैं, नहीं तो मैं छोटे छोटे में वन बाय वन एक दो करके मैं फ्राई करके ही इसे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा समोसा फ्राई हो के निकलते जा रहा है। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप ज़्यादा रेड कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गर्मा गर्म समोसा मेरा रेडी हो गया है। आप लोग भी इसी तरह से बनाएं और अपने घर में खाएं, और जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और खाते रहें और खिलाते रहें।